यूनिट 4 कर रहे थे अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लास्ट क्लास में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन, मीनिंग और फीचर्स, फिर इसके प्रिजम्पशंस देखे थे। तो जो फीचर्स और प्रिजम्पशंस हैं, इन दोनों को ही प्रोविजंस कहा जाता है, याद रखना। अब नेक्स्ट देखो, देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, जो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सबसे फर्स्ट जो टाइप है ना, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो क्या है, देखो, प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट देखो, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो देखो, मैंने कल एक स्पेसिमिन बताया था, जिसमें बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। तो एक देखो, मैंने एक आपको स्पेसिमिन दिखाया था, रुपीज 20 जो नोट था, उसमें लिखा था ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 20 रुपीज। तो देखो, प्रॉमिसरी नोट भी सेम वैसे ही रेडी होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, वो बैंक नोट नहीं रहता है, वर्ड्स वही यूज होंगे जो वो 20 रुपीज के नोट में दिखाया था मैंने। देखो, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लेकिन इसमें बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं है। आगे देखो, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल होगा। कंडीशन क्या होगी, सपोज उसमें लिख दिया कि अगर आपने मुझे 20 ऑफ जैन तक आपने मुझे रेडीमेड शर्ट्स का कंसाइनमेंट सप्लाई नहीं किया, तो मैं आपको इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। तो देखो, इस टाइप की ये जो मैंने कंडीशन बताई, ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहेगी उसमें, है ना। क्या है उसमें, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है वो उसमें क्या करके देगा, अपना साइन करके देगा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब है एक पर्टिकुलर अमाउंट, है ना, सर्टेन सम ऑफ मनी। जैसे कि 5000 का है तो वो 5000 फिक्स है, 20,000 का है तो वो 20,000 फिक्स है ना। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, एक पर्टिकुलर इंसान के नाम पे, और टू द बियरर, बियरर मींस मैंने बताया था होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये थी प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन। यहां तक क्लियर है, बताओ, यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, इसमें अब नेक्स्ट में जा रही हूं मैं, है ना। ये देखो एसेंशियल्स, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखो, याद रखना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स वही है जो इसकी डेफिनेशन थी, है ना। तो इसके फीचर्स वही हैं या इसके एसेंशियल्स वही होंगे जो इसके डेफिनेशन में लिखे हैं पॉइंट्स। तो डेफिनेशन याद करना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे सपोज फर्स्ट लिखा है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। तो एक मेयर वर्बल, वर्बल मींस बोलना, याद रखना, वर्बल मतलब समझो ओरल, है ना। तो अ मेयर वर्बल प्रॉमिस टू पे इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। द मेथड ऑफ राइटिंग आइदर इन इंक और पेंसिल और प्रिंटिंग एक्सेट्रा इज इम्पॉर्टेंट, बट इट इज अनइम्पॉर्टेंट। हाँ देखो, चाहे इंक से लिखो या पेंसिल से लिखो या प्रिंट करवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो राइटिंग में होना चाहिए। बट इट मस्ट बी इन एनी फॉर्म दैट कैनॉट बी अल्टर्ड ईजली। बट वो कुछ सी किसी ऐसे फॉर्म में होना चाहिए जो वो अल्टर नहीं हो सके, अल्टर समझते हो, चेंज नहीं हो सके। बट इट मस्ट बी इन एनी फॉर्म दैट कैनॉट बी अल्टर्ड ईजली, ठीक है। Altered means changes, कि उसको कोई चेंज नहीं कर सके। देखो, चेंजेस क्यों लिखा है उसमें, सपोज वो 5000 लिखा है तो उस 5 को कोई 15 ना कर दे, मतलब ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, है ना, फ्रॉड वगैरह बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखो, इट मस्ट सर्टेनली एन एक्सप्रेस प्रॉमिस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू पे। देखो, एक्सप्रेस किया हुआ है ना,
एक्सप्रेस प्रॉमिस है देन क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम उसको पे करें. इट देखो देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस अंडरटेकिंग टू पे. अ मियर एक्नॉलेजमेंट इज नॉट इनफ. एक्नॉलेज कर दिया हाँ हाँ मैं बोल के है ना, या यस बोल दिया बट कर नहीं रहे, नहीं. इसलिए एक्सप्रेस होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, कुछ प्रूफ दिखे लोगों को, उसको बोलते हैं. नेक्स्ट देखो, प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल. मैंने बताया ना विदाउट किसी कंडीशन के हमको उसको देना है. हम उसमें अपनी कंडीशंस नहीं डाल सकते, आप करोगे तो हम करेंगे. नहीं, आप किसी को चेक देते हैं उसमें, तो आप चेक में ऐसे बोलते हैं क्या कि आपने उसमें अमाउंट लिख दिया, इट मीन्स आपको उस अमाउंट का आपको पे करना ही है. अगर आपको नहीं करना है तो आपने दिया ही क्यों, है ना. तो अनकंडीशनल है, मैंने कंडीशन वाला पॉइंट बताया था अभी आप लोगों को. नेक्स्ट देखो, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर. गेस जो बना रहा है वो उसमें अपना साइन करके दे. द पर्सन हु प्रॉमिस टू पे मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इवन दो इट माइट हैव बीन रिटन बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ. It should be signed by the maker. The person who promised to pay must sign the instrument even though it might have been written by the promiser himself. Promiser ही maker होता है जो बना रहा है ना. देखो confusion, थोड़ा सा terminology में confusion रहता है, तो आप लोग लिख के रखो. जो promiser होता है first party, जो promisee होगा वो सेकेंड, जो प्रोमिसर है वही बना के देता है, तो मेकर या फिर ड्रॉवर ड्रॉ कर रहा है ना. नेक्स्ट देखो, द मेकर मस्ट बी सर्टेन द नोट सेल्फ. नोट मीन्स प्रोमिसरी नोट की बात हो रही है ना यहाँ पे. यहाँ पे नोट का मतलब है द प्रोमिसरी नोट सेल्फ मस्ट शो क्लियरली Who is the person agreeing to undertake the liability to pay the amount? मतलब उसमें क्लियर कट लिखा रहता है कि कौन पे करेगा, क्योंकि जो बना के दे रहा है उसी को ही पे करना है, याद रखना. जैसे सपोज कि ए ने बनाया, तो ए क्या है, प्रोमिसर है. ए ही क्या है, मेकर है जो बना रहा है, और उसका नाम लिखा है कि यही पे करेगा. किसको पे करेगा, सपोज बी को. नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखो. द पेई मस्ट बी सर्टेन, ठीक है. तो जो पेई है वो भी क्या होना चाहिए, सर्टेन. कैसे देखो, जिसको मिल रहा है ना, देखो The instrument must point out. Instrument में ना उस person का must नाम लिखा होना चाहिए. Must point out with certainty the person to whom the promise has been made. तो किसको ये promise किया गया है, to whom the promise miss has been made. नेक्स्ट देखो, द प्रॉमिस शुड बी टू पे मनी एंड मनी ओनली. मनी मीन्स, हाँ देखो, पे ही कौन है, जिसको मिल रहा है ना अमाउंट, उसकी बात हो रही थी, तो वो भी सर्टेन होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए. नेक्स्ट देखो, द प्रोमिसी शुड बी टू पे मनी एंड मनी ओनली. यस, मियर मनी, मनी मीन्स लीगल टेंडर मनी, और कोई पुराने और रेयर कॉइन्स नहीं. अ प्रॉमिस टू डिलीवर पैडी आइदर इन द अल्टरनेटिव और इन एडिशन टू मनी डज नॉट कंस्टिट्यूट अ प्रॉमिसरी नोट, है ना. उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए कि अगर मैं आपको मनी नहीं दे पाया तो उसके बदले मैं आपको पैडी राइस दे दूंगा या वीट दे दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. मनी है तो सिर्फ मनी से ही रिगार्डिंग होगा. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने बताया स्टार्टिंग में ही ना, मनी से रिगार्डिंग जो डीलिंग्स होती है उसकी बात है. अमाउंट भी सर्टेन होना चाहिए. देखो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट इज सर्टेनिटी नॉट ओनली रिगार्डिंग द पर्सन. मतलब सर्टेन होनी चाहिए, सिर्फ लोग सर्टेन नहीं,
only to whom or by whom payment is to be made, but also regarding the amount, ki kitna amount denge wo bhi certain hona chahiye. There is promise to pay amount with interest at specified rate. ठीक है, हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं उसके साथ क्या इंटरेस्ट है. फिर द अमाउंट इज टू बी पेड एट एन इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज. क्या रेट ऑफ एक्सचेंज से हो रहा है. द अमाउंट इज पेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स विद द कंडीशन दैट द होल बैलेंस शैल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन डिफॉल्ट बीइंग कमिटेड इन द पेमेंट ऑफ एनी वन इंस्टॉलमेंट. इसमें लिखा होना चाहिए कि अमाउंट हम क्या करेंगे, पे करेंगे विथ इंस्टॉलमेंट्स, और अगर हम किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफॉल्ट हो जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, एक साथ सारा अमाउंट पे करेंगे. तो कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशंस डिपेंड करता है. अदर फॉर्मेलिटीज होंगी, द अदर फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग नंबर, प्लेस, डेट, कंसिडरेशन एक्सेट्रा, दो यूजुअली गिवन इन द प्रॉमिसरी नोट्स. प्लेस क्या है, डेट क्या है, क्या अमाउंट है, सब लिखा रहते हैं, बट आर नॉट एसेंशियल इन लॉ. The date of instrument is not material unless the amount is made payable at certain time after date. तो time का भी इतना वो नहीं है, अगर उसमें एक particular time decide कर दिया है तो. Even in such a case, omission of date. कभी कभी उस promissory note में ना date नहीं डालते, क्योंकि हम अगर हमारे पास उस date तक पैसा नहीं है और हम उसको pay नहीं कर पाएंगे तो problem हो जाएगी. तो कभी कभी लोग without date भी दे देते हैं, उनसे फिर पूछते हैं और उनके according डाल देते हैं. And the date of execution can be independently ascertained and approved. और उसको फिर वो लोग बाद में decide कर लेते हैं. Suppose उसने बोला तुम 20 तारीख तक डाल देना bank में, लेकिन अगर एक बार मुझसे phone कर लेना, क्योंकि क्या पता amount नहीं हो, तो वो बोलेगा भाई तुम दो दिन के बाद डाल देना, तो वो क्या कर देगा 22 के बाद डाल देगा, क्योंकि amount नहीं है. तो इतना understanding तो चलता ही रहता है. Next देखो, तो ये सब थी अपनी other formalities है ना. अब next देखेंगे अपन. यहां तक डाउट है किसी को? नो मैम. क्लियर है यहां तक? ओके, अब नेक्स्ट देखो. द फॉलोइंग आर इलस्ट्रेशंस ऑफ promissory note जैसे कि सपोज फर्स्ट है ना, आई देखो प्रोमिसरी नोट है ना, इसलिए वर्ड क्या आएगा आई, ये क्या प्रोमिस, आई प्रोमिस टू पे मोहन of order rupees 1000. तो देखो ये ऐसे लिखा रहता है. नेक्स्ट देखो, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू रंजन इन रुपीज 2000 to be paid on demand for value received. तो first वाला easy way में था, second वाला थोड़ा सा complicate में है. ठीक है, अब देखो एक बता रही हूं, ये illustration में नहीं आएगा, तो देखो इन चीजों का ध्यान रखना. The following are not प्रॉमिसरी नोट्स, जैसे कि फर्स्ट है देखो, मिस्टर सुरेश कॉमा ये दिया रुपीज 500, तो ऐसे नहीं रहेगा. नेक्स्ट देखो, सेकेंड आई प्रोमिस टू पे, देखो प्रोमिस वर्ड तो यूज किया, सही किया. अब नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, आई प्रोमिस टू पे शिवा रुपीज 600 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम.
which shall be due to him. तो देखो डिफरेंस क्या है, इसमें लिखा है आई प्रोमिस टू पे मोहन ऑफ ऑर्डर 1000. तो देखो एक अमाउंट सर्टेन है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें नेक्स्ट वाले में आती हूँ, देखो इसमें क्या लिखा है, आई प्रोमिस टू पे शिवा ₹600. यहां तक सही, लेकिन इसके बाद क्या लिखा है देखो, एंड ऑल अदर सम्स. ये जो ऑल अदर सम्स है, कुछ बचा है अमाउंट विच शेल बी क्या है ड्यू टू हिम, वो उसके ऊपर उधार रहेगा, तो ये सब नहीं चलेगा. मैंने बताया है कि प्रॉमिसरी नोट सर्टेन रहेगा, उसका अमाउंट भी, उसका नेम भी, सब कुछ. क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का? बताओ क्लियर है यहाँ तो? यस मैम. नेक्स्ट देखो. यस मैम. अब एक स्पेसिमेन बना रही हूँ. देखो एग्जाम में जैसे बता रही हूँ सेम वैसे ही होगा, ऐसे ही बनाना है आप लोगों को. अब नेक्स्ट देखो, एक प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन बनाएंगे अपन, और ऐसे बॉक्स में ही बनाएंगे. आप लोग भी एग्जाम में याद रखना उस चीज को, है ना? आप लोग भी ऐसे ही बॉक्स में बनाएंगे उसको. जैसे कि मैं इसमें एक वर्ड लिख रही हूँ, ये इसको स्पेसिमेन बोलते हैं. एग्जाम में बोले या नहीं बोले, आपको बना के ही आना है स्पेसिमेन ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. सपोज जैसे इसमें मैंने लिखा ये ₹3000 का है. माइक म्यूट कर लो. हनी वर्मा माइक म्यूट करो. ₹3000 यहाँ रहेगा, फिर यहाँ पे देखो एड्रेस आएगी दिल्ली, फिर यहाँ पे लिखा है उसमें October 8, 2015, समझो, है ना? यहाँ पे लिखा मैंने 3 months after date I promise to pay मधुकर all order the sum of ₹3000 with, ये with लिखना हाँ, with इंटरेस्ट एट द रेट 13% पर एनम देयर ऑन फॉर वैल्यू रिसीव्ड. यहाँ पे हो जाएगा 2, उसका एड्रेस आ जाएगा मधुकर का, यहाँ लिखना 56 दिलशाद गार्डन. इसके नीचे लिखना ये दिल्ली, ये बॉक्स छोटा हो गया थोड़ा सा, दिल्ली 110095. यहाँ पे देखो स्टैम्प और लगेगा, ये रहेगा. इसमें लिखते हैं अपन स्टैम्प सुनील जिंदल, जो भी बना रहे मेकर, ठीक है? आया समझ में स्पेसिमेन प्रॉमिसरी नोट का? बता कोई डाउट है किसी को? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट देखो टाइप्स कर रहे थे अपन. पहला करना था हमको प्रॉमिसरी नोट, वो हो गया. अब क्या करेंगे सेकेंड, बिल्स ऑफ
एक्सचेंज. देखो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट क्या बोलते हैं, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन, अब देखो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग सेम वैसे ही जैसे उसमें था, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सेकेंड पार्ट. साइंड बाय द मेकर, थर्ड पार्ट. देखो फीचर्स के पॉइंट बता रही हूँ डेफिनेशन से. डायरेक्ट एक सर्टेन पर्सन को, कि एक वो सर्टेन सम ऑफ मनी ही पे करेगा, मतलब एक ही पर्सन है जो पे करेगा, मतलब नाम है सर्टेन है, चेंज नहीं हो सकता. टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक अमाउंट भी डिसाइड है, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. बियरर मतलब कौन, जो होल्डर है. नेक्स्ट देखो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज देयरफॉर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट, ठीक है, रिटन बाय द क्रेडिटर एंड एक्सेप्टेड बाय द डेटर. देयर आर यूजुअली थ्री पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थ्री पार्टीज होती हैं, है ना. कौन कौन सी, ड्रॉवर, एक्सेप्टर, या उसको ड्रॉवी भी बोलते हैं, और पे. ठीक है, तो तीन पार्टीज हैं किसमें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. ड्रॉवर कौन होता है, जो मेकर है, जो बना रहा है, ही इज द मेकर, ये मेकर होता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बी ओ ई लिख रही हूँ, ठीक है. ही गिव्स द ऑर्डर टू पे, ही गिव्स द ऑर्डर टू पे. देखो अब इसका दो मतलब, ही गिव्स द ऑर्डर टू पे, तो वो किसी का नाम लिखता है उसमें जो पे करेगा, तो वो ऑब्वियस है, एक बेसिकली डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, वो खुद का ही नाम लिखेगा, ठीक है. कभी कभी वो दूसरे का भी नाम लिख सकता है कि वो पे करेगा मेरे बिहाफ पे. ही गिव्स द ऑर्डर टू पे, तो ये खुद को भी ऑर्डर दे सकता है. नेक्स्ट देखो, एक्सेप्टर या ड्रॉई, जिसको मिल रहा है ना, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको अमाउंट मिलेगा, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर. टू पे, जिसको मिलेगा, हु इज डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे. नेक्स्ट देखो, पेई, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट. पेई वो होता है जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा है पैसे देने के लिए. द पर्सन हु इज नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, the person named in the instrument to whom, है ना, or to whose order the money, whose order the money is directed, to be paid is called pay. तो ये था bills of exchange, उसकी पार्टीज और उसके फीचर्स अब स्टडी करेंगे अपन. यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन. क्लियर है यहाँ तक सबको? देखो अकाउंट पहले क्या होता है, बिल को सबमिट किया जाता है फॉर कलेक्शन डिस्काउंटिंग बिल्स. फिर क्या होता है, अकाउंट फाइनलाइज किया जाता है. फिर मेकिंग पेमेंट ऑन बिल्स, रिलीज ऑफ बिल्स, तो ये सब कुछ है इसमें. नेक्स्ट देखो, फीचर्स देखो, सेम वही है. इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टेन होने चाहिए.
द सम पेबल, ये भी बताया है कि वो भी सर्टेन होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए. अभी हमने प्रॉमिसरी नोट में देखा था सेम वैसे ही. इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी अलोन. सिर्फ मनी और मनी से रिगार्डिंग ही बातें होंगी इसमें, और कुछ नहीं होंगी. नेक्स्ट इसमें क्या होगा? फिर इसमें ऐड कर सकते हैं द बिल मस्ट कंप्लाई विथ द फॉर्मैलिटीज एज रिगार्ड टू डेट कंसिडरेशन प्लेस अटेस्टेशंस स्टैम एक्सेट्रा. तो ये सब इसमें होना चाहिए. नेक्स्ट क्या हो सकता है? ये मनी एंड मनी ओनली हो गया, प्रॉपरली स्टैम्ड होना चाहिए. द बिल मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर. द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल. एक ये वाला लिख लो. The order must be unconditional. Clear है यहाँ तक? Bills of exchange. देखो एक समझ में आता है ना promissory note वगैरह, तो bills of exchange वगैरह बहुत easy हो जाता है समझना. नेक्स्ट में मूव करें. किसी को कुछ डाउट है तो पहले पूछो. कुछ डाउट है? नो मैम. क्लियर है? देखो देखो ये क्या दिया है इसमें. Distinction between bills of exchange and promissory notes. तो देखो इसको study करो. Difference between क्या दे रहा है दोनों का. पहले तो number of parties, ये तो बहुत ही basic था. इसमें दो parties होती है, maker और payee. और इसमें three parties, drawer, drawee, payee. ठीक है? Next देखो, payment to the maker, a promissory note cannot be made payable to maker himself. लेकिन bills of exchange में ड्रॉवर और पेई, और ड्रॉवर और जो पेई और ड्रॉई है और ये पेई, ये सेम पर्सन हो सकते हैं. वो लोग अपने नाम पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकते हैं, बैंक में दे सकते हैं और बैंक उनको पे कर सकती है. ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है. नेक्स्ट देखो, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है. अ प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, वेयर एज इन इसमें क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर. तो जैसे प्रॉमिसरी नोट जो होता है उसमें अपन क्या यूज करते हैं? आई प्रॉमिस टू पे. वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या यूज करते हैं? ऑर्डर. ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. बस ये डिफरेंस है. नेक्स्ट देखो, प्राइमरी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. फर्स्ट लाइबिलिटी. प्राइमरी मीन सबसे पहले जिम्मेदारी या जवाबदारी किसकी है? तो प्राइमरी किसकी है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट. बट जो ड्रॉवर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है वो सेकेंडरी होता है और कंडीशनल होता है. तो याद करना, प्राइमरी वाला किसमें जाता है? प्रॉमिसरी नोट में. और सेकेंडरी जो बाद में जिम्मेदारी बनती है पे करने की, वो किसके होती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की. रिलेशन देखो, द मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशन विद द पेई, व्हाइल द मेकर और ड्रॉई ऑफ एन एक्सेप्टेड बिल स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशन विद द एक्सेप्टर एंड नॉट पेई. तो इसमें देखो, इमीडिएट रिलेशन, जैसे दो पार्टीज मैंने बताया था, क्रेडिटर और डेटर, एक मेकर और ये पेई, तो दो हैं. रिलेशन क्या है? इमीडिएट है. लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? तीन पार्टीज हैं.
लेकिन तीन में किसके बीच का डायरेक्ट रिलेशन होगा, वो एक होगा एक्सेप्टर और पेई का, जो ड्रॉवर है उसका रिलेशन नहीं कहलाया जाएगा। ड्रॉवर तो मैंने बताया कि ड्रॉ करके